एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अमेजॉन से ये प्रोडक्ट परचेज किया है और ये प्रोडक्ट है एक टीवी यूनिट 62 इंच की, जिसमें 4 सेक्शंस हैं। आपको इसमें कई और सेक्शंस के साथ मिल जाएगा, जैसे 3 सेक्शंस, 2 सेक्शंस, और प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग कम होता जाएगा, क्योंकि मैंने ये काफ़ी लार्ज साइज का परचेज किया है। तो ये मुझे 3000 से थोड़ा सा ऊपर का मिला, तो जो एग्जैक्ट प्राइस होगा वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और प्रोडक्ट का भी स्क्रीनशॉट में साइड में मेंशन कर दूंगी। आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। अभी मैंने इसे खोला नहीं है, कारपेंटर को फ़ोन किया है, वो आएंगे तो वो खुद खोलेंगे, असेंबल करेंगे और मेरी वॉल पे जब लगाएंगे तब मैं देखूंगी कि इसका लुक कैसा आया है, जैसा स्क्रीन में दिख रहा है, जो पिक्चर दिख रही है वैसा ही है या नहीं है, और क्वालिटी कैसी है वो भी चेक करना है। और जैसी भी क्वालिटी होगी वो सब रिव्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, 62 इंच का मैंने इसलिए परचेज किया है कि इन फ्यूचर अगर मुझे 55 इंच की टीवी लगानी पड़े तो इजीली मेरे जो भी ये टीवी यूनिट है उसमें 55 इंच की टीवी अच्छे से फिट हो जाए। अदरवाइज अगर मैं छोटी ऑर्डर करती तो 55 इंच की जो टीवी है वो इस साइज से बाहर हो जाती। अभी तो मेरे पास 42 इंच की टीवी है, उसी के साथ मैं इसको लगाऊंगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, वॉल पे लगाने के बाद इसका क्या लुक आता है। फ्रेंड्स, कारपेंटर भैया आ गए हैं और उन्होंने बॉक्स को खोलना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये वाइट पेपर स्ट्रिप है जिस पे निशान लगे हुए हैं, जिसकी हेल्प से यूनिट को सही तरीके से हम वॉल माउंट कर सकते हैं। और साथ में आई है ढेर सारी एक्सेसरी जो असेंबल करने में काम आएगी। फ्रेंड्स, अंदर पैकिंग आई है थर्माकोल की, जिससे हमारा जो बोर्ड है वो सेफ आया है, कोई भी टूट फूट नहीं आई है। भैया चेक कर रहे हैं सारे बोर्ड पार्ट्स हैं कि नहीं है। बोर्ड मटेरियल इसका इंजीनियर्ड बोर्ड है। तो फ्रेंड्स, ये भैया सारे जो भी एक्सेसरी आई है उसको खोल रहे हैं, कौन सी एक्सेसरी कहाँ लगेगी भैया चेक कर रहे हैं। और भैया ने अलग अलग बोर्ड भी रख लिए हैं, क्योंकि ये जो यूनिट है वो ब्लैक एंड ब्राउन कलर की मिक्स है। तो भैया ने चेक कर लिया है कौन सा पार्ट कहाँ लगना है, उन्होंने पिक्चर के अकॉर्डिंग ही पूरा अपना जो भी सेटअप है वो कर लिया है। और भैया देखिए अब स्टार्ट कर रहे हैं लगाना। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि कारपेंटर भैया ने जैसे जैसे असेंबल किया है मैंने पूरी वीडियो शूट की है, बस इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि अगर मैं पूरी वीडियो नॉर्मल स्पीड में रहती तो ये बहुत बड़ी हो जाती। फिर भी फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी जब आप इस प्रोडक्ट को परचेज करोगे और जब इसे खुद असेंबल करोगे। इसे खुद असेंबल करना फ्रेंड्स बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट की, स्क्रू की और पेचकस चलाने की, तो बड़ी आसानी से आप इसे असेंबल कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड तो खुद ही कह रहे थे कि मैं खुद असेंबल कर दूंगा, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो हमने कारपेंटर भैया को बुला लिया अर्बन क्लैब से। इनका जो चार्जेस हैं वो 600 बता रहे थे, तो मैंने थोड़ा बार्गिन किया तो उन्होंने 500 बोल दिया। आप देख लीजिए कैसे कैसे भैया ने क्या क्या पार्ट्स कहाँ कहाँ पर लगाए हैं, तो काफ़ी आसान होगा अगर आप इसे परचेज करते हैं और खुद असेंबल करते हैं। अगर आप खुद असेंबल ना भी कर पाए तो आप कारपेंटर भैया की हेल्प ले सकते हैं अपने नज़दीकी एरिया से। वैसे फ्रेंड, कंपनी भी प्रोवाइड कराती है असेंबली, लेकिन वो भी आपके ही कॉस्ट पर होगी। तो आप चाहें तो कंपनी से बुला लें कारपेंटर भैया को, चाहे आप अपने नज़दीकी कारपेंटर भैया को बुला लें, चाहे अर्बन क्लैब से। मैंने अर्बन क्लैब से इसलिए बुला लिए क्योंकि भैया उसी दिन आने को तैयार हो गए, क्योंकि ये दिवाली वाले दिन की शूटिंग है, तो उसी दिन आने को तैयार हो गए थे तो अर्बन क्लैब से मैंने बुला लिए। अदरवाइज कोई भी कारपेंटर तैयार नहीं था उस दिन के लिए। तो आप देख सकते हैं भैया ने यहाँ तक तैयार कर दिया है। फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट डन हो गया है, ऊपर से पेच लगाना बाकी है। और आप देख सकते हैं वाइट एंड ब्राउन में ये कितना सुंदर लग रहा है। पूरा असेंबल होने के बाद तो आप सोचिए कितना प्यारा लगेगा। फ्रेंड्स, अब ले रहे हैं ये
नाप ले रहे हैं कि हमें अपनी वॉल पे किस जगह लगाना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉल फास्टनर लगाए जाएंगे। तो उसके लिए होल बनेंगे और होल के लिए आपको निशान लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, उसी हिसाब से आपको वॉल फास्टनर के लिए यहाँ पर ड्रिल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि भैया ने ड्रिल करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर ना चार वॉल फास्टनर लगेंगे। इन्हीं चार वॉल फास्टनर के ऊपर फ्रेंड्स नीचे का टीवी इन्हें हैंग होगा, साइड वाला तो वॉल में पेच कसे जाएंगे, उसके लिए भी ड्रिल होगा। फ्रेंड्स हमने एक्स्ट्रा मजबूती के लिए ये एल टाइप की हमने पत्ती लगवाई है, क्योंकि इंजीनियरिंग वुड बुरादे का बना होता है, जो लकड़ी का कचरा होता है उससे बना होता है, तो लकड़ी की तरह मजबूत नहीं होता। तो उसको एक्स्ट्रा मजबूत बनाने के लिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए थोड़ा बहुत भारी सामान इस पे रख जाए। अदरवाइज ये होल है, और ये होल आप समझ सकते हैं वॉल फॉस्टनर में कितना मजबूत हो पाएंगे। लेकिन अगर आप ये एल शेप की पत्ती लगाएंगे तो इससे ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा, और आपका ज़्यादा भारी सामान नहीं लेकिन थोड़ा सा लाइट वेट, थोड़ा सा भारी सामान आपकी इस यूनिट पर स्टे कर सकता है। अदरवाइज आप गलती से भी कोई भारी सामान रख दिया तो ये आपके टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए हमने ये एल शेप की एक्स्ट्रा पत्ती लगवाई है। फ्रेंड्स वॉल पे लगने के बाद सेम टू सेम जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, जैसा आपको ऑनलाइन दिखाया जा रहा है, वैसा ही लुक आ रहा है। वेरी एलिगेंट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फ्रेंड्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितना प्यारा अपनी वॉल पे ये लुक लग रहा है। और इसको डेकोरेट करने के बाद तो आप देख ही सकते हैं और भी प्यारा लग रहा है। पूरा पैसा वसूल प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, आप इसे परचेज कर सकते हैं। क्वालिटी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन बहुत प्यारा, बहुत सुंदर और मजबूत भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।